नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन झा आपके सामने अपना नया वीडियो लेकर के आया हूँ। दोस्तों आज मैं आपको बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्लॉग टॉपिक बताने वाला हूँ, जिस पे आप अगर ब्लॉग स्टार्ट करते हैं तो डेफिनेटली आपको कंटेंट की कमी नहीं होगी और आप इतना ब्लॉग लिख सकते हो और उस पर ट्रैफिक ऐसा आएगा जो आप कभी कल्पना नहीं कर सकते हो। और जो कोरोना हुआ है वो इसमें बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट गेम प्ले करेगा, क्योंकि कोरोना आने के बाद में इस कोर्स के बारे में, इस चीज़ के बारे में, जो इस टॉपिक है, इस पर जो ब्लॉग बनाने वाले लोगों की जो है ना बाढ़ आने वाली है, क्योंकि हर कोई इसी टॉपिक पे अभी ब्लॉग स्टार्ट करने वाला है। दोस्तों इन सबसे पहले मैं आप तक ये इन्फॉर्मेशन लेकर के आया हूँ। दोस्तों अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं है, काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ब्लॉगिंग के रिलेटेड जो भी अच्छी इन्फॉर्मेशन होती है और जो आने वाला ट्रेंडिंग टॉपिक होता है वो मैं आप लोगों तक लेकर के आता हूँ। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ ई लर्निंग कोर्स के बारे में, कि अगर आप ई लर्निंग कोर्स बनाते हैं अपने ब्लॉग में, ई लर्निंग कोर्स क्या होता है। जैसे आप 7वां 8वां 9वां 10वां या 12th का कोई कोर्स का आपने पढ़ाई किया होगा, आप फिजिक्स का केमिस्ट्री का कोई टॉपिक बनाते हैं और उसका कुछ स्पेशल इन्फॉर्मेशन आप अपने ब्लॉग के माध्यम से देते हैं। देखिए, इसमें आपके पास कोर्स सिर्फ सब्जेक्ट का पता होना चाहिए कि आप इस सब्जेक्ट में कौन कौन सा टॉपिक होता है। वो टॉपिक आपको कहाँ से निकलेगा, टॉपिक आपको गूगल से भी निकल सकता है, और अगर आपने पढ़ाई लिखाई किया है, अगर आपने अगर सिविल सर्विसेज का तैयारी कर रहे हैं, हिस्ट्री वगैरह का आपका अच्छा नॉलेज है, तो आप एक अच्छा नोट अपने स्टूडेंट लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं। देखिए, गूगल का एल्गोरिदम यही कहता है कि अगर उसका कस्टमर सेटिस्फाइड हो रहा है आपके ब्लॉग पोस्ट से तो वो आपके ब्लॉग को हायर रैंक पर पहुँचाएगा। तो ये टोटली आपके वेबसाइट के, आपके ब्लॉग के कंटेंट पे और कंटेंट का जो स्ट्रक्चर आप अपने ब्लॉग के माध्यम से दोगे उस पे डिपेंड करेगा कि आप कितना सक्सेस करोगे, क्योंकि सक्सेस तो करोगे आप इसमें। क्योंकि देखो, कोरोना के आने के वजह से बहुत सारे लोग घर से बाहर निकलना बंद कर देंगे, बहुत ये एक दो साल रहेगा दोस्तों, तो अब लोग जनरली सबका लाइफस्टाइल भी अब यही हो गया, घर में बैठने का सबको आदत हो गया। अब वो पढ़ाई लिखाई भी होगा तो अब वही ई लर्निंग से ज़्यादा होगा। जिसके पास रिसोर्स नहीं था, सबने किसी ने 2 महीना बर्बाद नहीं किया, सबने इंटरनेट कनेक्शन ले लिया, मोबाइल पे जो थोड़ा बहुत सीखना था कि कैसे ब्राउजिंग यूज करते हैं सबने सीख लिया, जिसको पढ़ना लिखना था, जिसको अभी तैयारी करना था। जैसे मुझे नेट का तैयारी मुझे करना है तो मैं नेट की तैयारी के लिए मैं ऑनलाइन लर्निंग का तैयारी करता हूँ। जैसे मुझे कुछ कोई ई बुक पढ़ना होता है तो मैं ई बुक प्रेफर्ड करता हूँ हमेशा से, क्योंकि मुझे ई बुक पढ़ना आता है। बहुत सारे लोग 83% लोग अभी मोबाइल का और इंटरनेट का यूज़ सीखे इस कोरोना लॉकडाउन के वजह से, और जिसको भी पढ़ने का शौक है वो अपना रिसोर्स चेक करेगा गूगल से। तो दोस्तों आपको कंटेंट प्रोवाइड करना है। गूगल का मई का जो नया अपडेट आया है उसमें जो भी नया ब्लॉगर है उसको गूगल हमेशा प्रेफरेंस देगा। तो अगर आप नया ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं, अगर आप अच्छा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, जैसे 7th का कोई कोर्स है, अगर फिजिक्स है, कोई मैथमेटिक्स है, अलजेब्रा है, कुछ का भी अगर आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि कैसे उसको सॉल्व किया जाता है, अगर आप उसका कंटेंट अच्छा से इन्फॉर्मेशन के साथ सेटिस्फाइड कर रहे हैं अपने जानने वाले लोगों तक, तो दोस्तों ये तो आपके एकदम सब्जेक्ट का चीज़ है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं दोस्तों, अगर आपके पास कुछ अच्छा नॉलेज है, कोई भी, अगर BCA कर रहे हैं तो आपके पास बहुत सारा चीज़ होगा पीछे में जो आपने किया हुआ है। जैसे मैंने BCA किया, MCA किया, तो मुझे सारा जो भी अपने जो प्रीवियस जो भी सब्जेक्ट है उसके बारे में मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ। मैं थोड़ा बहुत गूगल से सर्च करूँगा, गूगल से नेट पर ले करके आऊँगा और उसको लिखूँगा, और उसको लिख करके अगर मैं इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा तो वो यूज़र तक पहुँचेगा। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपको डोमेन कैसे लेना है, तो डोमेन लेने के लिए आपको कोई भी कीवर्ड रिसर्च अच्छे से करना है। उबर सजेस्ट से जाके कीवर्ड रिसर्च कीजिए और कोई भी ऐसा स्टूडेंट फ्रेंडली कीवर्ड लेना है जिसका आपको डोमेन ख़रीदना है, और डोमेन ख़रीदने के बाद में आपको इस पर ब्लॉगर से आपको स्टार्ट करना है। ब्लॉगर को मतलब डोमेन आप खरीदेंगे और ब्लॉगर पे इसको होस्ट करेंगे, उसके बाद आप इसमें कंटेंट लिखना चालू करोगे। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए आपको अपने ब्लॉगर के पेज को ही थोड़ा बहुत सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जैसे करते हैं वैसे करना पड़ेगा, लेकिन आपको सोशल मीडिया प्रमोशन पर ज़्यादा ध्यान देना होगा। सोशल मीडिया पर आप प्रमोट कर सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों इसमें सबसे ज़्यादा क्या ना कि अर्निंग कहाँ से होगा, ब्लॉग से तो आप अर्न करोगे गूगल एडसेंस से, उससे अर्निंग होगी होगी। आप ई बुक सेल करो, आपका ई बुक जो है वो आपको जो आपका नॉलेज है उसका जो
पैसा देता है वो आपका ई बुक सेल करने से हो सकता है। तो अगर आप अच्छा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, अगर आप अच्छा उस सब्जेक्ट के बारे में अच्छी नॉलेज है आपको, आप उसका ई बुक अगर क्रिएट कर लेते हो, अगर ई बुक या आने वाला जो क्वेश्चन बैंक है, अगर आप कुछ तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता है कि प्रोबेबली क्वेश्चन कौन कौन सा आने वाला है। आपको नहीं भी पता है तो थोड़ा बहुत अगर आपने तैयार कर लिया 10 साल का क्वेश्चन देख के कि ये क्वेश्चन आ सकता है, इस टॉपिक का, इस ट्रेंड का क्वेश्चन आ सकता है, अगर आप उसको सेल आउट करते हैं तो उससे आपकी अर्निंग होती है दोस्तों। तो ब्लॉग का कंटेंट आपको 1000 वर्ड का लिखना है, आपको पर रोज़ एक पोस्ट करना है दोस्तों, और उसमें आपको जैसे आप ब्लॉग में पोस्ट करोगे वैसे ही सोशल मीडिया पे प्रमोट करोगे। स्टार्टिंग में अगर आपकी 15 दिन, 1 महीने के अंदर में अगर आपके ब्लॉग पे 100 ट्रैफिक आना चालू हो गया है दोस्तों, समझिए आपका ब्लॉग हिट करने वाला है दोस्तों। आप डेफिनेटली काम कीजिए आपका पढ़ाई, अगर आप दूसरे को पढ़ा रहे हो सकता है कि आपका उस नॉलेज, उस सब्जेक्ट में ज़्यादा नॉलेज बढ़ भी जाएगा, प्लस आप आने वाले टाइम में अर्न करोगे, क्योंकि आने वाला ट्रेंडिंग टाइम जो है दोस्तों, जो आने वाला चीज़ को पहचानता है, हमेशा अमिताभ बच्चन ने एक मूवी में डायलॉग दिया था कि हमेशा दूर का सोचो, मतलब नज़दीकी फ़ायदा देखने से पहले दूर का नुकसान देखो, और दूर का फ़ायदा देखो तो नज़दीकी नुकसान करवा लो। तो नज़दीकी नुकसान यही है कि आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन दूर का फ़ायदा ये है कि आप इसमें इतना बेनिफिट होगा ना ट्रैफिक का दोस्तों, और प्लस आप अगर आप ई लर्निंग से कमाना चालू कर दिए, अगर आप ये नोट्स के थ्रू अगर कमाना चालू कर दिए दोस्तों, तो दोस्तों आप कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं। एक तरह से आप अपना ट्यूशंस अपने ब्लॉग के माध्यम से प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको रेगुलर होना होगा। कंटेंट पूरा प्रॉपर एकदम ऑथेंटिक कंटेंट दीजिए, थोड़ा भी गलत नहीं होना चाहिए। अच्छा इन्फॉर्मेशन हमेशा गूगल प्रेफर्ड करता है। जो क्राउलिंग होता है गूगल का, वो हमेशा समझता है कि किस इन्फॉर्मेशन से हमारा जो यूजर है, एंड यूजर है, वो सेटिस्फाइड हो रहा है, और उस ब्लॉग को वो ज़्यादा प्रेफरेंस देता है। तो अगर आप इस सब्जेक्ट वाले टॉपिक पे अगर आप लिख रहे हैं तो जो पढ़ने वाला बंदा होगा उसको थोड़ा बहुत नॉलेज होगा, वो जैसे ही आपका कॉन्टेंट पढ़ेगा उसको अगर थोड़ा भी समझ में आ गया ना कि आप जो लिख रहे हो उसको समझ में आ गया, कहेगा ये बंदा सही है, वो उसके बाद बुकमार्क करके रख लेगा। उसके बाद अगली बार जो भी आप पोस्ट करोगे वो नोटिफिकेशन भी ले लेगा। अगर आप उसको 4-5-10 अच्छा इन्फॉर्मेशन देती है, उसके बाद एक नोटबुक आप चिपका दिए 100 रुपये का, आपने बोला कि 100 रुपीज़ का नोटबुक है, आपने दे दिया अच्छा इन्फॉर्मेशन दे करके। हमेशा कभी किसी के साथ चीट मत कीजिएगा। मैं भी ई बुक प्रोवाइड करता हूँ, लेकिन हमेशा अगर आप किसी को, अगर आप ई बुक प्रोवाइड कर रहे हैं उसके बाद अगर वो चीट महसूस करेगा हमेशा दिक्कत होगा। कभी भी अपने जो ट्रैफिक है उसको चीट करने का कोशिश मत कीजिए। कभी भी वो मैं, आप देखते होंगे मैं बहुत बड़ा थंबनेल बना के गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देता हूँ, उसी तरह से हमेशा जो आपका ब्लॉग का टॉपिक है उसको क्लियर रखिए, आपके ब्लॉग पे लोग आए, सेटिस्फाइड हों। क्योंकि देखिए गूगल का जो मई 2020 का अपडेट आया ना, सारा वो चिट फंड वाला काम जो है वो बिल्कुल बंद हो गया दोस्तों। अब आपको जो करना है प्रॉपर करना है, और दोस्तों मैंने जो आपको जितना नॉलेज दिया है वो काफ़ी है आपको स्टार्ट करने के लिए, बेसिक आइडिया लेने के लिए। लेकिन उसके बाद भी अगर आप चाहते हैं, अगर आप बिल्कुल नए हैं ब्लॉगिंग में, चाहते हैं मेंटरिंग क्लास ज्वाइन करना, तो मैंने नोटिफिकेशन में अपना नंबर दे दिया है, काइंडली मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आपको ब्लॉगिंग करने में बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करूँगा, और पर्सनल गाइडेंस टीम व्यूअर के थ्रू लेकर के मैं आपको गाइड करूँगा दोस्तों। हमारा कुछ चार्ज है 1500 रुपये का, वो चार्ज मैं पर्सनल चार्ज लेता हूँ। उसमें मैं आपको ब्लॉग का गूगल एडसेंस अप्रूवल तक का सारा कुछ कंप्लीट करवाने में मैं आपको हेल्प करता हूँ। वीडियो अच्छा लगा दोस्तों अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा दोस्तों, और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, क्योंकि जो भी ब्लॉगिंग के रिलेटेड अच्छी इन्फॉर्मेशन होती है वो मैं आप तक लेकर के आता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।